तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं पावर बीआई के बारे में, राइट सर जी right. तो पावर बीआई में हम कुछ डैशबोर्ड्स और कुछ चार्ट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट कुछ क्लासेस में डेटा कनेक्टिविटी के बारे में सीखा था कि हाउ कैन कनेक्ट द डेटा। आज हम बात कर रहे हैं डेटा कनेक्ट होने के बाद हम किस तरह से रिपोर्ट बनाते हैं उस केस आपके सामने। जी सर, आपका एक्सेल का एरिया जी जी अब इसमें हम डेटा लेते हैं एक बार एक्सेल से, जी यहां से डेटा इंपोर्ट कर लिया। और जैसे कि हमने बताया था आपको कि हम बात कर रहे हैं अपने कि किस तरह से विजुलाइजेशन का इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। आपको एक या दूसरी क्लास में बताया था कि किस तरीके से हम अपना डैशबोर्ड तैयार करते हैं, कैसे डैशबोर्ड क्विकली बनता है। तो अब एक बार वन बाय वन हम विजुलाइजेशन के बारे में जान लेते हैं डेटा कनेक्टिविटी कनेक्ट करके, उसके बाद फिर हम फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो डेटा कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे मेरे डेटा के सारे फीचर्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे फील्ड आता है, फील्ड हर फील्ड का एक डेटा टाइप होता है। जैसे कि ये सम ऑफ का साइन लगा हुआ, इट मींस ए नंबर, राइट। और जिसमें साइन नहीं है वो आपका टेक्स्ट है। जिसमें कैलेंडर का टाइम लगा होगा इस तरह से कैलेंडर, वो आपका डेट होगा। जैसे यहां पे देखिए सी एंड डेट दिख रहा है, टेक्स्ट है। अब आगे बढ़ने से पहले आप एक बार इसको जरूर चेक कर लीजिए कि आपकी जो फील्ड है आपकी डेटा के अकॉर्डिंग है या नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए सी एंड डेट को सिस्टम जो है डेट नहीं समझ रहा है। सबसे पहले डेटा पे जाएंगे हम इसके स्टेज के लिए, और ये जो फील्ड है हमारा इसकी जो डेटा टाइप टेक्स्ट है इसको चेंज करेंगे किसे किसमें डेट एंड टाइम। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कुछ ऐसी डेटा है इस कारण से डेट एंड टाइम में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, फॉर्मेट अलग अलग है। जी जी ठीक है, एरर है जी, डेट पे भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम्म, तो क्या करेंगे इसके लिए पावर क्यूरी में ले जाकर चेंज कर देंगे। हाँ, याद है आपको, हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म डेटा और ओपन करेंगे अपनी पावर क्यूरी जी। और पावर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और ट्रांसफॉर्म नहीं, यहाँ पे डेटा टाइप एनी के जगह पे हम यहाँ डेट एंड टाइम कर देते हैं या डेट कर देते हैं, डेट कर देते हैं, ठीक है, रिप्लेसमेंट कर देते जी, डेट हो गया जी जी आई एम अप्लाई एंड क्लोज। अब वो अब यहाँ पे डेट आ गया ना सर, जी 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 बोलिए। और यहाँ भी डेट दिख गया, वापस आते हैं अपने व्यू में। अब यहाँ पे अलग अलग पेजेस हैं, तो आप जो डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं उस पेज का यहाँ से रिनेम कर सकते हैं सेल्स, ठीक है ना। ये आपका रिपोर्ट एरिया दिख रहा है, दिख रहा है सर जी। इसकी भी एक अपनी फॉर्मेटिंग है, यहाँ आपको दिख रही है, यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे इसके भी आपकी इंफॉर्मेट है, पेज इंफॉर्मेशन सेल्स है, मतलब टूल टिप देना है नहीं देना है, इसके बाद इसकी पेज की साइज क्या होनी चाहिए, हिसाब से पेज की साइज दे सकते हैं, ठीक है, वो विंडो के हिसाब से होता है। बैकग्राउंड, पेज बैकग्राउंड में कलर क्या होना चाहिए, आप अपने हिसाब से अपने पेज की बैकग्राउंड की कलर चूज कर सकते हैं, जो पेज बैकग्राउंड में कलर होना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे मैं मान लीजिए ब्लू रखना चाहता हूँ पेज बैकग्राउंड, तो ब्लू कर दीजिए अपने पेज की बैकग्राउंड कलर, और ट्रांसपेरेंसी 100% है तो यहां से कम कीजिए। अब देखा आपने कि ब्लू होने के बाद भी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इसका 100% था, तो ट्रांसपेरेंसी को कम या ज्यादा कर सकते हैं आप। सर ये बिल्ड क्या दिख रहा है, क्योंकि अभी तक आपने एक भी विजुलाइजेशन नहीं ली है, जैसे आप यहाँ पे विजुलाइजेशन लेते हैं वो आपका बिल्ड शील्ड हट जाता है जी। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड पे आते हैं कि अगर आपको ये नहीं चाहिए, ग्रीन नहीं चाहिए आपको, आप चाहते हैं
का इस पे आपको अपना कोई पिक्चर हो, समझ रहे ना? यहां से आप सिलेक्ट इमेज पे क्लिक कीजिए और आप अपने जहां भी आपका इमेज है उस इमेज पे जाइए और इसको सिलेक्ट कर ओके। इमेज की ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा दिख रहा है ना, तो इस पे डेटा दिखेगा तो दिक्कत नहीं डेटा पर आप जी। इसको जो है इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर दीजिए तो हल्का सा इस तरह से दिखेगा, ठीक है? आपको अब यहाँ पे इमेज फिट है, नॉर्मल है, फिट कर दीजिए तो फिट हो जाएगा, फिल कर दीजिए फिल हो जाएगा। अब फिल फिट में समझे आपको क्या हो रहा है, नॉर्मल जैसा इमेज है उस तरह से रहेगा, फिट इस एरिया में अपने आप को फिट करेगा जी जी जी। और फिल मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए जगह बचता है तो डबल हो जाएगा जी जी जी। ये चीज आप यहां से कर सकते हैं, हटाना है तो यहां से क्रॉस कर दीजिए हट जाएगा, ठीक है जी जी। पेज इंफॉर्मेशन में आपका मुझे पेज की जो अलाइनमेंट है और टॉप आना चाहिए या मिडल आना चाहिए, दिख रहा है ना सर आपको ये? तो आप ही रखता हूँ। उसके बाद इसका वॉल पेपर, इसके वॉल पेपर के अंदर की वॉल पेपर क्या होना चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप अपना वॉल पेपर कलर वगैरह सेम चीज, बैकग्राउंड वगैरह सेम होता है, नहीं चाहिए रिवर्ट डिफॉल्ट कर दीजिए हट जाएगा। फिल्टर पेन, जो आपका फिल्टर पेन आ रहा है ना सर, तो फिल्टर पेन का बैकग्राउंड कलर कुछ करना है करना है, ठीक है रख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट कर दीजिए हो जाएगा। फिल्टर पेन की बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी घटानी है इसका, उसका इसकी जो फॉन्ट है फॉन्ट कैसा होना चाहिए वो चीजें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से बॉर्डर को हटाना है डालना है, देख रहे हैं सेपरेशन, यू कैन डिसाइड हियर बॉर्डर का कलर कैसा होना चाहिए, उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए वगैरह वगैरह। एंड यहाँ पे फिल्टर कार्ड, ये फिल्टर की जो कार्ड है ना, ओके सर क्लियर है? हेलो, सॉरी सर म्यूट हो गया था। ओके, तो यहाँ पे हम आ रहे थे, अब यहाँ ये समझ में आ गई, इसकी बैकग्राउंड आ गई समझ में जी जी। ओके, अब यहाँ से अब जैसे विजुलाइजेशन पेन में थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन दिखाना है तो इस तरह से इसको हाइड भी कर सकते हो और वापस इसको अनहाइड भी कर। यहां से इसको हाइड अनहाइड भी कर सकते हैं जी, क्लियर है? क्लियर है जी। अब फिल्टर को फिलहाल हाइड कर देते हैं, अब बात करते हैं विजुलाइजेशन के बारे में। अब यहां भी इतने सारे हमारे विजुलाइजेशन और ये जो दिख रहा है आपको ये दो टेबल्स हैं, जैसे कि मुझे टेबल में चाहिए तो मैंने टेबल को क्लिक किया। अब जो है मैं यहाँ से अपनी जो भी प्रोडक्ट वाइज चाहिए तो प्रोडक्ट उठा के यहाँ पे रख दिया, क्वांटिटी वाइज चाहिए तो क्वांटिटी उठा के यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिखा आपको वैल्यूज, ये यहाँ पे सेक्शंस है उसके हिसाब से इसका होता है। अब इसकी जो इसको मूव में ऐसा सिस्टम नहीं है कि मूव कर सके, बट यहाँ पे मूव कर तो मैंने अपने हिसाब से मूव कर लिया, राइट? अब लेकिन इसकी जो साइज है टेबल की जो साइज है मुझे अपने हिसाब से बढ़ानी और घटानी है। तो कैसे करेंगे,
इस टेबल को क्लिक करेंगे, देखिए बाहर क्लिक करेंगे जब रहिएगा तो आपका नॉर्मल पेज की जो फिट सेटिंग है वो पेज की सेटिंग आपको दिखेगी। तो मैं अगर टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, तो इसकी विजुलाइजेशन को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आता है। क्योंकि उससे पहले यहाँ पे देखिए फिल्टर के ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके अपना फिल्टर यूज कर सकता हूँ। मैंने कोई फिल्टर अप्लाई है नहीं है, कोई फिल्टर अप्लाई नहीं है, यहाँ से जो फिल्टर अप्लाई करेंगे ना यहाँ पे आपको शो करेगा। दूसरा ये आपको दिख रहा है फोकस मोड। फोकस मोड क्या होता है कि जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये फोकस होके बड़ा हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ यही दिखेगा, कोई और नहीं, कुछ नहीं दिखेगा। अब बोले से कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा है, देखिए टेबल इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है, बट अगर आप चार्ट की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे एक चार्ट ले ली और इसके ऊपर एक फोकस मोड जो होता है सब जगह पे होता है, सेल्स मोड, और मान लीजिए मैंने क्वांटिटी ले लिया, ठीक है, अगर मैं फोकस मोड करता हूँ तो देख रहे बड़ा हो गया जी। और बैक टू रिवर्ट आ जाता है। इसको फोकस है, जूम एंड जूम आउट कर सकते हैं इसको, समझे। जी। चलिए इसको हटाते हैं, इसको बाद में समझेंगे, पहले हम टेबल पे आते हैं। अब टेबल की एक अपनी फॉर्मेटिंग है, जो भी वैल्यू डालते हैं वो वैल्यू आपको यहाँ पे आ जाती है। जैसे अगर मैं दो कॉलम डाल दूं, तो जैसे नेम और साइट डाल देता हूँ, तो साइट को मैंने डाल दिया यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से रिपोर्ट आ गया। आप बोलेंगे सर पिवोट के अंदर में तो हम जो डालते हैं तो वो थोड़ा सा वो रिपोर्ट फॉर्मेट में मैट्रिक्स फॉर्मेट में आ जाता है, बट यहाँ तो ही गजपच हो गया। तो अगर आपको रो एंड कॉलम दोनों वे में चाहिए, उसको बोला जाता है मैट्रिक्स फॉर्मेट। तो ये आपको जो दिख रहा है मैट्रिक्स फॉर्मेट, इस पे क्लिक करेंगे और ये चीज को लेंगे। यहाँ पे ध्यान समझ लीजिए ये चीज को, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके लिए। तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी को डाला और यहाँ पे मैंने डाला आपने इसको सेल्स मोड को, ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट में आ गया। और बोले ये सर मुझे तो सेल्स मोड को डालना था रो में और कॉलम को डालना था इसमें, तो यहाँ जैसे आपके पिवट टेबल में होता है उस तरह से यहाँ पे आप अपने आप को स्विच कर सकते हैं। मैं सेल्स मोड को ऊपर डाल देता हूँ, हाँ प्रोडक्ट को नीचे डाल देता हूँ, कॉलम में डाल देता ठीक है। अब बोले नहीं मुझे क्वांटिटी तो नहीं चाहिए थी, मुझे काउंट चाहिए था, नंबर ऑफ मान लीजिए इसकी सिटी की या नेम का काउंट चाहिए था, तो आप यहाँ नेम को उठा के इसमें रख दीजिए मेनू। तो पिवट टेबल के, अब बोले सर नेम रखा तो यहाँ पे नेम आ रहा है, तो जैसे पिवट टेबल में आपकी क्वांटिटी वगैरह सेट करनी होती है, ऐसे यहाँ भी आप अपनी क्वांटिटी वगैरह सेट कर सकते हैं, समझे। जी। और सेम चीज यहाँ भी है कि अगर आपको क्वांटिटी का यहाँ पे टोटल चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, मुझे इसमें नेम ही चाहिए, इसमें मुझे नेम ही चाहिए, तो क्वांटिटी को हटाया और आपने क्या किया नेम को यहाँ रख दिया, तो ये नेम यहाँ, दोबारा रख, सॉरी दोबारा, नेम यहाँ रख जाने से तो ये नेम के यहाँ तो ये आ गया ना, टीना शीना आ गया क्या, बट यहाँ नेम की क्वांटिटी चाहिए, तो यहाँ ड्रॉप डाउन में जाइए, यहीं पे आपको काउंट आ गया, तो काउंट होके इस तरह से संबाइन हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। जी। काउंट की जगह और भी है, जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम काउंट शो वैल्यू एज, यहाँ पे परसेंटेज वगैरह में चाहिए या एवरेज वगैरह चाहिए, ये सब यहाँ से मूव कर सकते। अब इसमें हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे इसमें एवरेज चाहिए आपको, एवरेज वगैरह भी निकाला जा सकता है, लेकिन क्या है कि इसमें एवरेज अभी आपको नहीं दिख रहा होगा। अब मैं अगर क्वांटिटी रखूंगा तो एवरेज दिखेगा, क्योंकि एवरेज नंबर पे होता है, टेक्स्ट नहीं होता है। अब दिख रहा है ना सर, सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम काउंट स्टैंडर्ड डेविएशंस वेरिएंस मीडियम या सोल वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ द ग्रांड टोटल परसेंटेज ऑफ द कॉलम टोटल परसेंटेज ऑफ द रो टोटल, समझे, इसी चीज कर सकते हैं। तो वो टेक्स्ट नहीं नंबर होना चाहिए। अब इसकी फॉर्मेटिंग के ऊपर आता है, तो आपकी यहाँ पे फॉर्मेटिंग जो होता है ये रहा आपको फॉर्मेट का टिक लगा हुआ है ना पेंटर का, तो फॉर्मेटिंग होता है। तो अगर हमने इसको सिलेक्ट किया, देखिए सिलेक्शन जरूरी है, सिलेक्शन किया तभी उसकी फॉर्मेटिंग दिखेगी यहाँ। तो सबसे पहले जनरल फॉर्मेटिंग जो होती है, इसकी पोजिशन वगैरह क्या है वगैरह वगैरह, या कुछ अल्ट टेक्स्ट वगैरह डालना चाहते हो तो आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते
इसका स्टाइल डिफॉल्ट है या फिर आप मिनिमल या बोल्ड हेडर ये स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो, बड़े बड़े फॉर्मेट है इसका यूज कर सकते हो जी। उसके बाद यहाँ पे आता है ग्रिड, इसके अंदर जो ग्रिड लाइन है वो आपको वर्टिकल ग्रिड देना है और जनरल ग्रिड देना है, नहीं देना है, देना है उसका कलर क्या होना चाहिए, उसका बॉर्डर क्या होना चाहिए, वर्टिकल ग्रिड देना है नहीं, बॉर्डर ग्रिड समझिए बॉर्डर देना है नहीं देना है। ठीक है जी सर। यहाँ से इसका इस्तेमाल करते हैं इमेज देना है देने देना, इमेज की हाइट क्या होनी चाहिए वो हाइट वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे टोटल जो हमने किया हुआ है टोटल को टोटल लिखना है या कुछ और लिखना है, ठीक है ना, मुझे मान लीजिए टोटल का सेल्स, मुझे टोटल को सेल्स शो करना है तो यहाँ पे मैंने सेल्स लिख दूंगा तो यहाँ पे सेल्स आ जाएगा। फॉर्मेटिंग क्या होना चाहिए, ये टॉप जो है आउटलाइन टॉप में होना चाहिए या क्या होना चाहिए, फॉन्ट क्या होना चाहिए, इसकी साइज कितनी होनी चाहिए, आप यहाँ से इसकी बढ़ा सकते हैं, साइज बढ़ गया। फिल इंफॉर्मेशन, कौन सा फिल है, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का क्या कलर होना चाहिए, क्या बॉर्डर होना चाहिए, क्या स्टाइल डिजाइन होना चाहिए, ये आप यहाँ देख पा रहे हैं जी। फॉर्मेटिंग करना है आपको तो कौन सा में मुझे पूरा इसमें काउंट ऑफ नेम में करना है, करना है जी हाँ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है एडवांस कंडीशन, इस पे क्लिक करते हैं, इसके बारे में हम आगे आपको बात करेंगे कि क्या एडवांस कंडीशन होना चाहिए, वैल्यू जो है एडवांस कंडीशन जो है कंडीशन कन्वर्टिंग जो होता है वो हम आपको आगे चल के समझाएंगे, ठीक है जी। बट इफ यू यहाँ पे कर सकते हैं आप कंडीशन फॉर्मेटिंग, टाइटल की फॉर्मेटिंग है इस तरह से, बैकग्राउंड की फॉर्मेटिंग है उस तरह से, यहाँ पे जो बॉर्डर है शैडो है टूल टिप, ये सारी फॉर्मेटिंग आप अपने टेबल के ऊपर कर सकते हो। और आप मैट्रिक्स के अंदर भी मैट्रिक्स की फॉर्मेटिंग भी सेम होती है तो उसकी फॉर्मेटिंग भी आप यहाँ पे सेम कर सकते हैं जी। इसमें भी कोई चेंज नहीं है तो हिसाब से एक बार देख लीजिएगा, राइट जी, जी सर। तो अभी हमने दो विजुलाइजेशन को कवर किया, पहला कवर किया आपका टेबल को और दूसरा कवर किया मैट्रिक्स को जी। समझ आ गया आपको जी, जी सर। अब इसकी प्रैक्टिस आप अपने हिसाब से अच्छे तरीके से बैठ के कीजिए अपने हिसाब से, क्योंकि शुरुआत है तो थोड़ा स्लोली चलते हैं क्योंकि चीज सिखा देंगे तो सब सबके ऊपर से गायब हो जाएगा जी जी जी। तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगली क्लास में हम इस पे आगे की चीजों पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ठीक है। और ऐप डाउनलोड कर लिया है ना आप लोगों ने मेरा जी सर, जी सर जी जी। ऐसे हर वीडियो के मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देता हूँ तो अगर यूट्यूब पे मैं वीडियो देखते हो तो आप उसका यूज कर सकते हो जी सर, ठीक है। XMIS पे दिया जाता है और सारे वीडियोस का मैंने दिया हुआ है इस पे, ओके सर लिंक दिया हुआ, ठीक है मिलते हैं जी जी, ओके सर ओके ओके।